हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, विद्युत धारा के सरल परिपथ चैप्टर में हमने विभवमापी पढ़ा था। विभवमापी के उसके बाद हमने विभवमापी के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने पहला पढ़ लिया था दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करना, गणना करना। अब जानते हैं विभवमापी का एक और अनुप्रयोग, बी पार्ट कहें हम इसे, विभवमापी द्वारा दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है वाई दी पोटेंशियोमीटर, यानी विभव मापी द्वारा एक हमें सेल दिया, उस सेल का क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। हमने कहा था विभव मापी अच्छे से अच्छा चाहिए, उसके लिए विभव प्रमणता कम होनी चाहिए, यानी विभव मापी के तार की लंबाई क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी। तो यहाँ एक विभव मापी ले रहे हैं जिसका तार क्या कहेंगे हम, ए बी कहेंगे। विभव मापी का तार ए बी है, इसके ए व बी सिरों के बीच एक क्या जोड़ी हमने, बैटरी बी वन, कुंजी के वन, धारा नियंत्रक आर एच, चित्र के अनुसार कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें विभव मापी के ए व बी तार के बीच एक बैटरी बी वन, कुंजी के वन, धारा नियंत्रक आर एच, चित्र के अनुसार कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसकी धन प्लेट को, यह सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये अंदर होगा इसके, मीन्स हम इसे नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, अंदर ही है उसके, इसलिए कंफ्यूज ना हो। सेल, एक सेल जिसका हमें विद्युत, जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, उसकी धन प्लेट को ए से ऋण प्लेट को एक धारा मापी जी से जोड़कर जॉकी बनाकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यह जॉकी तार ए बी पर कहीं भी स्पर्श कराई जा सकती है। ये जॉकी है, तार है, कटिया कहें जिसे, जो इसे हम क्या कर सकते हैं, कितना ही बड़ा खींच सकते हैं और इसे इस पर ए बी पर चला सकते हैं। पूरी बात फिर से सुने, विभव मापी द्वारा दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन सेल वाय द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मीन्स विभव मापी द्वारा दिए गए सेल का क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए निम्न परिपथ तैयार करते हैं। इस विद्युत परिपथ में ए व बी के बीच एक बैटरी बी वन, कुंजी के, धारा नियंत्रक आर एच, रेस्टोर्ड कहते हैं जिसे, की बोलते हैं से, बैटरी, इन तीनों को ए बी के बीच कौन से क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में, माने एक ही तार पर। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, उसकी धन प्लेट को ए से, ऋण प्लेट को एक धारा मापी जी से जोड़कर जॉकी बनाकर छोड़ देते हैं। इस जॉकी को तार ए बी पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। कन्फर्म इतनी बात, आगे सुनो। इस सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स, कौन सा बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, यानी इसमें बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, फिक्स प्रतिरोध बॉक्स आर, तथा कुंजी के टू, चित्र के अनुसार कौन से क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। फिर एक बार रिपीट करें, विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इस विद्युत परिपथ में ए व बी के बीच एक बैटरी बी वन, कुंजी के वन, धारा नियंत्रक आर एच,
चित्र के अनुसार कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसकी धन प्लेट को ए से, ऋण प्लेट को एक धारा मापी से जोड़कर जॉकी बनाकर क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। इस जॉकी को तार ए बी पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी क्या जोड़ देते हैं, के टू जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम कुंजी के वन को ऑन कर देते हैं, ऑन मीन्स बंद कर देते हैं, तो तार ए बी के स्वरूप पर विभांतर या तार ए बी में धारा प्रवाहित होने लगती है। सॉल्व, इसमें के टू को पहले क्या करते हैं, के वन को हमने क्या कर दिया, ऑन, ऑन मीन्स बंद, के टू को क्या कर दिया, ऑफ, ऑफ मीन्स खुला, के टू को खुला रखा, के वन को बंद कर दिया, तो परिपथ में पहले ए बी के तार के स्वरूप पर विभवांतर उत्पन्न हो गया और परिपथ में केवल कौन काम करेगा, सेल ई, यह परिपथ काल नहीं करेगा, बाह्य प्रतिरोध काल नहीं करेगा। इस सेल के लिए धारा मापी में जॉकी को खिसकाकर कौन सी स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। माना सेल ई के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, तब E बन बराबर या E बराबर K L1 होगा। इक्वेशन फर्स्ट, जहां K क्या होगी, क्या होगा बेटा, विभव प्रवणता, K क्या है, विभव प्रवणता। अब क्या करेंगे, अब कुंजी K2 को भी ऑन कर देते हैं, ऑन मीन्स बंद कर देते हैं, तथा प्रतिरोध बॉक्स से आर ओम का प्रतिरोध क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। मींस क्या किया, इसके स्वरूप पे आर ओम का प्रतिरोध लगा दिया और इसे हमने क्या कर दिया, बंद। तो ऐसी स्थिति में बाह्य प्रतिरोध कार्य करने लगता है, तब शून्य विक्षेप की स्थिति, और इसे जॉकी को खिसकाएंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति कितनी दूरी पर, L2 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, यदि तब क्या होगा, B बराबर के L2 होगा, किसके स्वरूप पर, प्रतिरोध के स्वरूप पर विभवांतर, क्यों, जब यह काम करेगा तो इसके स्वरूप पर जो आएगा वो बंद परिपथ होगा और वो विभवांतर होगा। पहले खुला परिपथ था, तब सेल का विद्युत वाहक बल था, जब बंद परिपथ K2 को भी बंद कर दिया, ऑन कर दिया, तो ऐसी स्थिति पर इसके स्वरूप पर विभवांतर। अब देखें R बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस वन पड़ा हमने पीछे, तो स्मॉल R बराबर कैपिटल R E की वैल्यू रख दो, के एल वन के एल टू माइनस वन, क्या आ जाएगा, कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस वन। इस सूत्र का प्रयोग कर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। L1 L2 क्या है, लंबाई या स्केल लगा होगा यहाँ पर, उस स्केल से हम इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। L1 पता चल जाएगा, L2 पता चल जाएगा, बाह्य प्रतिरोध 10 ओम निकाला, इसमें 10 ओम, 20 ओम निकाला तो R का मान 20 ओम, 30 ओम निकाला तो R का मान 30 ओम, वह रख देंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, कन्फर्म। इसी के साथ यह यूनिट समाप्त होती है। इस पूरी यूनिट को तैयार करें और हमारे साथ आगे न्यूमेरिकल पर बढ़ें, ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।